आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक्सपायर्ड मेडिसिन के ऊपर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन। जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, उसका क्या करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, कोरोना के टाइम पे हम सब जितने भी हैं, हम सब एक मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन हो, हम उसके स्टॉक में लेकर रख लेते हैं। अभी भी बहुत सारी मेडिसिन है हम स्टॉक में लेकर रखते हैं। तो आप कभी भी मेडिसिन लेंगे, मेडिकल से लीजिए या हॉस्पिटल से लीजिए, या आप कहीं से भी मेडिसिन अपने एजेंसी के थ्रू या डायरेक्ट या ऑनलाइन आप कहीं भी किसी से भी मंगाते हैं, तो आप अपना पहले एक्सपायरी उसका चेक करिए। एक्सपायरी नियर बाय नहीं होना चाहिए, उसका एक्सपायरी अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ to 8 मंथ और 1 ईयर होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारी मेडिसिन अगर स्टॉक में मंगाते हैं, अगर वंस अ डे अगर हम कंज्यूम भी करते हैं, तो अगर 10 स्ट्रिप भी हम मंगाएं तो 100 डेज चलती है। 100 डेज मीन्स 3.5 मंथ हो जाता है। तो आप इसे मेन चीज़, आपको अगर नियर बाय एक्सपायरी मेडिसिन आती है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, अभी अगस्त का मंथ चल रहा है और सितंबर में एक्सपायरी डेट है मेडिसिन की, तो आप अगस्त तक ही उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जो पोटेंशियल लेवल है वो अगस्त तक ही है, उसके बाद वो उसका काम करना बंद कर देगा। अगर आप एक्सपायर्ड मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो इसमें सीवियर इफेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। फिर हमें एक्सपायर्ड मेडिसिन यूज़ नहीं करना, क्योंकि कंपनी भी, अगर आप बताते हैं हमने ये खाया है, ये मेडिसिन हमने कंज्यूम किया है, तो कंपनी भी आपको सीधा डायरेक्टली इन्फॉर्म कर देगी कि एक्सपायर्ड मेडिसिन, हमने एक्सपायर्ड डेट डाली है, फिर भी आपने मेडिसिन को कंज्यूम किया, तो उसके जो इफेक्ट होंगे फिर वो आपको ही फेस करना होगा। क्योंकि मेडिसिन जो है, हम अगर इनटेक करते हैं तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आने के बाद ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, और जो मेडिसिन का जो काम होता है वो वही काम वहीं पे करता है। अगर वो वहाँ पे पहुँचता है और अगर वहाँ पे उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो वो अपना इफेक्ट करने के लिए कोई भी चीज़ या सीवियर इफेक्ट या कोई चीज़ का डैमेज या इंटरनल ऑर्गन या ब्लीडिंग या बहुत सारी चीज़ें इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो इसके लिए एक्सपायर्ड मेडिसिन आप यूज़ मत कर दीजिए, उसको आप डायरेक्टली फेंक दीजिए और डिस्ट्रॉय करके आप न्यू मेडिसिन भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आपकी मेडिसिन आप कभी भी परचेस करते हैं तो मेडिसिन के बैक साइड पे उसका मैन्युफैक्चर डेट, उसका बैच नंबर और उसका एक्सपायरी डेट होता है। आप वहाँ पे अच्छे से उसको चेक कर लीजिए और आप ले सकते हैं। और मेडिसिन कभी भी अगर है एक्सपायरी है, तो आप उसे बच्चों से, खासतौर से बच्चों को से दूर रखिए, आप उसे फेंक दीजिए, यूज़ मत करिए।